हे गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेला फ्राई रेसिपी। करेला वैसे तो हल्का कड़वा होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से इसकी सब्जी बनाएंगे तो आपको ये जरूर पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम करेला ले लिया है। इसे मैंने अच्छे से छील दिया है। अब हम इसे इस तरह से काट लेंगे। ये मैंने सभी करेलों को काट लिया है, और आप चाहें तो इसके बीज भी निकाल सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी मूंगफली के दाने लिए हैं, इन्हें मैंने रोस्ट कर लिया था। ये 1 कप बारीक कटा प्याज। अब हम इन करेले में थोड़ा सा नमक डाल के इसे 30 से 45 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे करेले का कड़वापन निकल जाए। 40 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से वॉश कर लूंगी। सारा नमक निकाल देना है हमें, इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। अब हम एक स्ट्रेनर में इसे अच्छे से छान देंगे और सारा पानी निकाल देंगे। अच्छे से निचोड़ के सारा पानी निकाल देंगे और करेले को साइड में रख देंगे। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये बारीक कटा हुआ प्याज और इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। प्याज अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हरी मिर्च और इसे भी इसमें मिला देंगे। अब हम इसमें सारे करेले ऐड कर देंगे और इसे भी हम पकाएंगे। अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए करेले को पकाएंगे। 4 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे। करेला हमारा 50% पक चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, गरम मसाला 1 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और मसाले को भी हम करेले में अच्छे से मिला देंगे और इसे ढककर फिर 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। अब ये मसाला थोड़ा सूख रहा था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून और इसे भी अच्छे से मिला देंगे। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए और ढककर पकाऊंगी। 1 मिनट हो चुका है, हमारी सब्जी 90% पक चुकी है। अब ये जो मूंगफली के दाने मैंने रोस्ट किए थे, उसे मैंने दरदरा पीस लिया है, वो इसमें हम मिक्स कर देंगे। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है करेले की सब्जी में। और इसे ढककर 1 मिनट के लिए और पकाऊंगे। 1 मिनट हो चुका है, हमारी करेले की सब्जी रेडी है सर्व करने के लिए। ये काफ़ी टेस्टी बनती है इस तरह से। आप इसे चपाती या पराठे के साथ सर्व करें। आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखें। करेले के काफ़ी हेल्थ बेनिफिट होते हैं, डायबिटीज़ में तो काफ़ी अच्छा रहता है करेले की सब्जी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।